ही डिस्कस करेंगे ताकि आपके नए करंट अफेयर्स के साथ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन हो सके। तो आप लोग सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और शेयर कर दें। मेरा नाम है कीर्ति पांडे एंड यू आर ऑल वेलकम टू द सेशन। तो गाइस जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग सारे, जितने भी आप ग्रुप्स में हैं, जितने स्टडी ग्रुप्स में हैं, वहां तक इस सेशन को आप पहुंचा देंगे। और ये बिल्कुल रैपिड फायर होता है, आपको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग काफी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। महेश, राकेश, अमन, शिखा और सपना, सबको गुड मॉर्निंग एंड हेयर वी स्टार्ट। तो मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल का अगर आपको महापैक चाहिए तो आप Y332 कोड यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज 78% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। अपने हर एक स्टेट AE और JE का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं महापैक के साथ, द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस और साथ ही साथ द बेस्ट क्वालिटी आपको महापैक में मिलता है। और आप जानते हैं कि 77% डिस्काउंट Y332 कोड यूज करने पे आपको मिल जाता है। अगर आप अंडर 24/7 के ऐप से इसको करते हैं तो आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है यूज पॉइंट करने पे। सिमिलरली डिफेंस का महापैक है जहाँ पे आपको कोर्सेज मिलते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज मिलते हैं FCAT के, जिसमें मेरा क्लास होता है आपका 12 बजे से 12 नून, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका CAPF, CAPF में भी ये आपका फाउंडेशन टू एडवांस कोर्सेज है। ये मेरा क्लास आप अगर खोज रहे हैं तो वो 11 बजे होता है। CDS में क्लासेस होती है, OTA जिनको सिर्फ इंग्लिश और GK पढ़ना है उनके लिए, और IMA जिनको इंग्लिश GK के साथ मैथ्स भी करना है। एलिमेंट्री मैथ्स है, ज्यादा कोई टफ मैथ्स नहीं है, आप उसका टेंशन क्या कीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ IMA कोर्सेज में। तो ये है इंग्लिश, GK और मैथ्स, तो IMA, INA और AFA के लिए ये कोर्सेज। और सब इंजीनियर जैसे MP सब इंजीनियर और JE का अभी वैकेंसी आ चुका है तो आप उसके लिए अभी से पढ़ाई शुरू कर दें और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला है आपको CISF के बैचेस में। CISF के बैच में अगर आप Y332 कोड यूज करते हैं तो बहुत ही कम में, यहाँ पे 1499 लिखा है लेकिन जब मैंने खुद से किया तो बहुत ही कम में आपको मिल जाएगा, 1300 कुछ में ये मिल जाएगा। तो क्लास के एंड में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें एनरोल करें। चले लेट्स स्टार्ट। विश्वजीत भी आ चुके हैं क्लास में, वेरी गुड। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 ये 3rd of May को सेलिब्रेट होता है, ये बात आपको पता है। राशिद किदवई ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन। तो ये बहुत सारे पर्सनालिटी, करीबन 50 पर्सनालिटीज हैं जिन पे ये बुक लिखा गया है। ये सुपासना, प्रियांशी, हर्षदा, विक्रांत, आयुषी, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज ये हो गया। GST का रेवेन्यू कलेक्शन आया है अप्रैल के मंथ का, तो ये अभी तक का हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन देखा जा रहा है। इसको प्लीज आप ध्यान से सुने क्योंकि GST यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स, सारे भी इन जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं अप्रत्यक्ष कर, वो सारे GST में आ जाते हैं। और इस बार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये ऑल टाइम हाई है एंड दैट इज ₹1.68 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे कलेक्शन हुआ। एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर, तो जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी है यानी कि जो पेट्रोलियम मंत्रालय होता है उसमें जो सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट ऑफिसर रहेंगे वो तरुण कपूर थे, और अब तरुण कपूर जो है वो एडवाइजर बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यस, छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है मितान योजना, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे। मनीष आ चुके हैं क्लास में, चैतन्य है, न्यू सॉन्ग ओके, प्रविंद है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबको क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और सबको क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। कोचिन शिपयार्ड भारत का पहला होम मेड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल बनाएगा, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक वेसल यानी कि जो चीज पानी में चलेगा, ठीक है। राजस्थान मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम है महेश नगर हॉल्ट। तो मियां का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन नाम था राजस्थान में, इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। जितने भी नाम बदले हैं उसको ध्यान से रखिएगा। कमलापति पहले नाम क्या था, हबीबगंज नाम था, है ना। और काकोड़ी कांड का नाम काकोड़ी ट्रेन एक्शन है, इलाहाबाद प्रयागराज आपको पता ही है।
और फिर मुगल सराय आपको पता है कि दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन उसका नाम हो गया है, तो ये सारी नाम आप याद रखेंगे। संगीता सिंह ये अपॉइंट हुई है सीबीडीटी। तो देखिए एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो ये है डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की चेयरमैन बन गई है संगीता सिंह। INS विक्रांत भारत का पहला खुद से बना हुआ यानी कि इंजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं। विल बी हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हरिगढ़ है, अलीगढ़ का नाम भी बदल दिया गया है। तो इंडियन नेवी को INS विक्रांत मिल जाएगा और ये भारत का पहला इंडिजीनियस बना हुआ है। गगन अमित वेरी गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, यहाँ पे एक आई भी होना चाहिए है ना, तो आई हैज ऑथराइज, इन्होंने ऑथराइज किया है इंश्योरेंस कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ, पहले 25% था, अब 30% तक का इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग भी पढ़े थे, याद भी किए थे कि जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर हैं उन्होंने FDI भी रखा हुआ था 20% तक का, तो अब ये 25% से बढ़ाकर 30% तक बढ़ गया है BFSI सेक्टर्स में। ओके नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नाटो एक्सरसाइज, जब से ये रशिया और यूक्रेन का वॉर है तो बहुत सारे एक्सरसाइज किए जा रहे हैं नाटो द्वारा। तो ये नाटो का जो एक्सरसाइज, इसका नाम है डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स, ये दोनों शुरू हो चुका है। तो जब भी आप कोई ये सुनेंगे कि डिफेंडर यूरोप, तो यूरो का एक्सरसाइज नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन का नहीं है, वो है नाटो का, और स्विफ्ट रिस्पॉन्स भी नाटो का ही है। ओके फिर वर्ल्ड अस्थमा डे, किसी किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो उनको तुरंत ये पंप चाहिए होता है, तो आप लोग के आसपास भी ऐसा कोई है तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तो वर्ल्ड अस्थमा डे है ये 3rd of May को सेलिब्रेट किया जाता है। अंडर प्रोजेक्ट वेव, तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वेव। इंडियन बैंक हैज लॉन्च अ प्री अप्रूव पर्सनल लोन। तो प्रोजेक्ट वेव के अंतर्गत प्री अप्रूव पर्सनल लोन ये इंडियन बैंक दे रही है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अभी सारा डिटेल देखेंगे, डोंट वरी। फिर आप देख सकते हैं कि HDFC लाइफ ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन एज अ सिग्नेटरी। तो HDFC लाइफ ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया है एज सिग्नेटरी, और सर उठा के जियो इनका टैगलाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केरला ने वेस्ट बंगाल को हरा दिया है, किस ट्रॉफी में, संतोष ट्रॉफी में। आप बता सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्या ये क्रिकेट से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है या हॉकी से रिलेटेड है। ओके और हरियाणा गवर्नमेंट नीरज चोपड़ा जी के होम टाउन में क्या बिल्ड कर रही है, एक स्टेडियम बना रही है। CM यानी कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने पूर्णिया में फर्स्ट इथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया है, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। सो आर यू गाइज एवरीवन रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, हाँ बिल्कुल, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मनीष कुमार एक्सेलेंट, उपासना फुटबॉल के लिए है, ठीक है। नोट्स आप ये सीधे PDF ले लें और चीजों को याद रखें। जया भी बता रही है फुटबॉल, वेरी गुड। तो गाइस पहला क्वेश्चन यही है कि वर्ल्ड अस्थमा डे ये किस दिन ऑब्जर्व होता है। सबका आंसर आ चुका है कि वर्ल्ड अस्थमा डे ऐसा नहीं कि 3rd को ही होता है, ठीक है, 1st Tuesday of May को होता है। इस बार ये जो 1st Tuesday है ये 3rd of May को हुआ, इसलिए ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है अस्थमा का ये हम लोगों ने मनाया। क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, तो जो भी चीजें अभी गैप है, लोग अस्थमा को केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो गैप को खत्म करने की बात की गई है, यानी कि हम लोग क्लोज कर देंगे सारे गैप्स को अस्थमा केयर के लिए। ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, काफी टाइम तक रहता है, और ये एयरवेज को, जो नैरो एयरवेज होते हैं उसको मोटा, वो स्वेल कर जाते हैं, एंड स्वेल एंड में प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। तो ये जो आपका म्यूकस होता है जिससे सब चीज ट्रैप हो जाता है, गंदगी आपके नाक के अंदर नहीं जाती है, तो वो एक्स्ट्रा म्यूकस हो जाता है, और जो भी व्यक्ति है जिनको ये होता है उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे अस्थमा के बारे में, 1st Tuesday है क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे।
और जब नेफ्रॉन, अगर हम बोल रहे हैं कि नेफ्रोलॉजी, तो जब हम नेफ्रोलॉजी की वजह से ये अस्थमा और लंग्स क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, ब्रोंकाइटिस, ये सारे वर्ड्स आप सुनेंगे। जब आप नेफ्रॉन सुनते हैं तो नेफ्रॉन से आपको क्या लगता है, हम किस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये सारे एग्जाम में अब बेसिक जनरल साइंस आने लगा है। सो व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट नेफ्रॉन, देन व्हिच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आई एम स्पीकिंग अबाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आपका है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, तो जो लोग आग बुझाने के लिए आते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे ये किस दिन होता है, 2 मई को, 3 मई को, 4 मई को या 5 मई को? यस, वेरी गुड, एक आंसर आया है सबसे पहले, तो ये है रोहित का। रोहित कह रहे हैं किडनी, बहुत सही बात है। तो किडनी जो है ये नेफ्रॉन, जब भी आप वर्ड सुनते हैं तो ये किडनी से रिलेटेड है, यूनिट ऑफ किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सेलेंट, वेरी गुड। हाँ अच्छा, एक और सवाल आता है कि आपके स्लाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च को तोड़ देते हैं और माल्टोज बना देते हैं, तो क्या आप उस एंजाइम का नाम बता सकते हैं? जैसे जब आप लोग पूरा ये पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि माउथ से ही डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। माउथ में टीथ होता है जो कि फूड को कट डाउन करता है, और सबसे पहले बोला जाता है कि स्लाइवा, स्लाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि स्टार्च, हर खाने में स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देते हैं। इसीलिए जब आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा देर तक चबाते हैं, जैसे कि इवन रोटी आप चबा रहे हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लगेगा। बिल्कुल एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो गाइज इशिका और उपासना सबका आंसर आ गया, विवेक का आंसर आया, चैतन्य का आंसर आया है। हाँ तो ये है एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज को याद रखिएगा, ये आपके स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, जिसके कारण फूड जो है वो बहुत मीठा लगता है। ये सारे क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स में आते हैं, ये बायोलॉजी नहीं है, ये जनरल साइंस है। और स्टमक के नीचे ड्यूओडेनम है जिसमें डाइल्यूट एचसीएल है, ये सब तो सबको पता ही है, तो ये सब बढ़िया है, ठीक है। क्षमा है, सूची है, मनीष है, गगन है, पवन है, वेरी गुड। तो गाइज प्रवीण, जैसे ही ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी ना, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चले तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि May 4 को आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, 1999 से इसको मनाया जा रहा है। इन लोगों को ऑनर किया जाता है जो लोग फायर से फाइट करने में कभी कभी सेक्रीफाइस करते हैं और तुरंत से आ जाते हैं, बहुत सारे डेथ भी होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से ये शुरू हुआ था, जब बुश फायर हुआ ऑस्ट्रेलिया में, आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में काफी बुश फायर्स होते रहते हैं, तो 2 दिसंबर 1998 से ये शुरू हुआ था, क्लियर है गाइज। और ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को, कल मैंने पेड़ में भी पढ़ाया है कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है कौन सा स्ट्रेट, ये है बास स्ट्रेट। तो देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि ज्योग्राफी की क्लास चाहिए, वो ये ध्यान से सुनिए कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है कौन सी जल संधि, यानी कि स्ट्रेट, ये है आपका बास स्ट्रेट, ठीक है। और उसी तरह से इंडिया को श्रीलंका से कौन अलग करता है, पाक स्ट्रेट। एशिया यानी कि रशिया का जो पोर्शन है, वहां से अमेरिका को कौन सा अलग करता है, वो है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये सब चीजें आप थोड़ी बहुत ध्यान रखेंगे, क्लियर है। स्पेन और मोरक्को यानी कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, राइट। ओके नेक्स्ट, देखिए ये तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, अभी अभी सुबह सुबह चीज जो सुनते हैं वो याद रहती है। तो मियां का बाड़ा है ना, मियां का बड़ा जो है ये रेलवे स्टेशन था, और इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम हो गया है महेश नगर हॉल्ट। क्या आप बता सकते हैं? गुड मॉर्निंग अमित कुमार सियासत, वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, यस वेरी गुड, बेरिंग है आंसर। तो बहुत बढ़िया, आप लोग साथ साथ आंसर दे रहे हैं। और हाँ, आज क्यों ऐसे कम स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, जब कॉन्टेंट और एक्चुअली ज्यादा होता है ना, तो स्टूडेंट कम क्यों हो जाते हैं, ठीक है। अमित कुमार जी आपका नाम ले लिया है हमने, ठीक है। तो ये है राजस्थान, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि महेश नगर हॉल्ट नाम पड़ गया है, मियां का बाड़ा नाम नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिंस इंडिपेंडेंस लोग बोल रहे थे कि ये डिमांड कर रहे थे कि नाम को बदला जाए, और महेश रो बाड़ो इसका नाम रखना था, तो महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका CBDT, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन को बदल दिया गया है,
अब नई चेयरमैन कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ सब ईद मना रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अभी तक आ नहीं रहे हैं। ईद मना रहे हैं, अक्षय तृतीया मना रहे हैं, परशुराम जयंती मना रहे हैं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड वेयर आर द रेस्ट हाफ। ओके तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं हर टाइम एकदम ऐसे स्टैंडर्ड टेंशन वाले पोजिशन में ही पढ़ाए, है ना? तो जब हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो सारे स्टूडेंट को बड़ा मजा आ रहा है, तो टीचर थोड़ा आराम से बैठ के पढ़ा रहा है, ज्यादा पढ़ा रहा है तो फिर मजा नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे संगीता सिंह, ये इंडियन ऐसे ही नहीं बन जाना है, ठीक है? बहुत लोग कह रहे हैं मैम हम बन जाएंगे, उसके लिए तुमको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको आईएएस बनोगे तो सीधे चीफ सेक्रेटरी बनोगे, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे, आईपीएस बनोगे तो पुलिस में जाओगे, है ना? उसके बाद अगर आप आईआरएस बनते हैं यानी कि रेवेन्यू सर्विस लेते हैं जिसमें हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, तब आप देखिए ये 1986 में बनी थी, है ना? और अब ये जाके चेयरमैन बनी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो बहुत मेहनत है, इतना कोई हवा हवाई वाला बात है नहीं, ठीक है? बोल रहे हम बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट, बन जाओ लेकिन अभी बहुत मेहनत कर लो, पढ़ लो पहले, सारे क्वेश्चंस का आंसर सही देना। अब देखिए अभी सुबह में पढ़ाए आपको, सुबह में क्या 10 मिनट पहले पढ़ाए क्या कि भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ये कमीशन होगा 15 अगस्त जब हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, 75वां आजाद 75 साल हो गए हमारे आजादी को, तो कौन सा INS को इंडियन नेवी को कमीशन किया जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल सही बात है। तो INS विक्रांत, इसको 15 अगस्त 2022 को कमीशन किया जाएगा, इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये क्या है, भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, प्लीज याद करिएगा इसको, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अभी INS विक्रांत ऑलरेडी बनने के पहले ही बहुत ज्यादा न्यूज में है, और इसका कॉस्ट कितना है, 23,000 करोड़ रुपए इसका कॉस्ट है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट मी नो द आंसर। सवाल क्या है, मैम स्ट्रेटेजी तो क्लियर है, बोथ FCAT CDS इन 3 मंथ, एग्जैक्टली, ठीक है? तो उसके लिए करंट अफेयर्स और GK शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर, बिकॉज इंग्लिश तो आपको मार्क्स दिलाता ही है, FCAT में आपको रीजनिंग भी मार्क्स दिलाता है, लेकिन GK और करंट अफेयर्स इज अ बोनस फॉर यू, राइट? यस ओम प्रकाश, वेरी गुड। तो गाइस देखिए, पहला शिपयार्ड जो कि भारत में बना है और ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल बना रहा है, तो ये है आपका कोचिन शिपयार्ड। तो याद रखिएगा ये वाला भी कोचिन शिपयार्ड है, INS विक्रांत, और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला वेसल भी कौन सा है, कोचिन शिपयार्ड है, ये कोचिन केरला में है, राइट? ये किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आएगा, इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल है ये, क्लियर है गाइस? तो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन सेल वेसल जो कि लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के साथ ये चलेगा, ये इसका टेक्निक है, मतलब मैकेनिज्म है, और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेसल ये बनेगा। बाकी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटोन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, जो भी आपका एटॉमिक नंबर है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सबसे कम मास किस चीज की होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, इसीलिए ये एटम के आउटर में रहता है यानी कि ऑर्बिट में रहता है ये आपके, और इसी का आदान और प्रदान होता है। बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्रोटॉन का आदान प्रदान हो जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नहीं, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो जिससे गया उसे नेगेटिवली चार्ज हट गया तो वो एटम क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाएगा, और जिधर गया उधर नेगेटिवली चार्ज चला गया तो वो एटम क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन केटायन कहलाता है और नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन कहलाता है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं, जब आप थोड़ा सा और पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में तो केटायन कैथोड की तरफ जाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और एनायन एनोड की तरफ जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो दीज आर द बेसिक केमिस्ट्री विच आर बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन वेदर इट इज SSC JEE FCAT और CLPS। ओके, तुम मोनू जादव पूछ रहे हिंदी की क्लास कब चलेगी, बच्चे अभी करंट अफेयर्स पढ़ लो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंडस्केप गार्डन, इसको हम लोग पढ़े थे 2 दिन पहले,
ठीक है, 2 मई को पढ़े थे इतना हमको भी याद है, अभी तुरंत हम खोल के दिखा देंगे पीडीएफ, इसलिए सही आंसर बताना। ओके तो देखिए, हाँ वेरी गुड, देवेंद्र का आंसर आ चुका है, रोहित का आंसर आ चुका है, एक्सेलेंट। तो ये लोग का आंसर बहुत जल्दी जल्दी आया है, ठीक है। दीपू का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड, एक्सेलेंट गाइस। तो लैंडस्केप गार्डन सिटीओ गोल्डन मार्क्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है यूनेस्को का, और ये ब्राजील में है, ब्राजीलियन सिटी रियो डी जेनेरियो में ये है, और ये हेरिटेज साइट बन गया है क्यों, क्योंकि इस गार्डन में 3,500 स्पीशीज ऑफ प्लांट है, ठीक है, और ये सारे नेटिव टू डीओ है। जब भी आप नेटिव सुनेंगे यानी कि यहीं पे मिल रहे हैं, जब भी आप एंडेमिक सुनेंगे तो ये यानी सिर्फ यहीं पे मिल रहे हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन सिर्फ एशिया के लायन वहीं पर मिलते हैं, ईरान में नहीं मिलते हैं, ईरान के लायन जो है वो समाप्त हो चुके हैं। क्लियर है गाइज? ओके हाँ बिल्कुल, मैक रवि बता रहे हैं कि एटम का मॉडल डाल्टन ने दिया है, ठीक है, हीट पर नाच ये ट्रिक है। ओके वेरी गुड गाइस। अब देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये 100 पब्लिक सर्विस डोर स्टेप पर ला के देंगे। हाँ नहीं मैम मैं पता कर रहा, अच्छा ठीक है ओके, तो वेरी गुड, एक बहुत अच्छा, मतलब देवेंद्र ना छत्तीसगढ़ को ऐसे लिखे हैं, 36 और गढ़ लिखे हैं, एक्सेलेंट, दोनों का दिमाग काफी क्रिएटिव। जल्दी से गवर्नमेंट जॉब ले लो, फिर एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, फिर अपना क्रिएटिविटी जो है वो आप हर एक फील्ड में यूज कर सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना, यानी कि मितान यानी कि फ्रेंड, फ्रेंड के लिए स्टैंड लेना। अभी आप लोग ले लीजिएगा स्टैंड, लेकिन पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाइए, इंडिपेंडेंट भी बोल दिए, सेल्फ भी बोल दिए, ठीक है, तो बोथ आर द सेम वर्ड। ओके तो 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये सब जगह 100 ऐसे योजना जो कि सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं वो आपके घर पर आके बता देंगे, डोर स्टेप पे मिलेगा, देखेंगे कितना होता है ये। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि विच स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैज बैन 3 बुक्स ऑन सिख हिस्ट्री। सिख हिस्ट्री पे 3 किताब लिखी गई है और इन तीनों किताब को बैन कर दिया गया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। वेरी गुड मनीष, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, एक्सीलेंट। तो ये कौन सा है, ये देखिए पंजाब का स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 3 हिस्ट्री बुक्स जो कि सिख हिस्ट्री से रिलेटेड थी उन लोगों को, उन चीजों को बैन कर दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब जो कि महेंद्र पाल कौर द्वारा, पंजाब मंजीत सिंह सोधी द्वारा, और हिस्ट्री ऑफ पंजाब MS मान द्वारा, ये तीनों बुक को बैन कर दिया गया है सर्कुलम से। ओके 34th फॉरेन सेक्रेटरी, अभी देखिए ये हम लोगों ने काफी बार बातें की हैं, अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग से रिलेटेड है, BS राजू जो है ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिलेटेड है। ओके देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू, तो आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ माई कैमरा, बाकी एवरीथिंग विल बी गो स्मूथली। तो ये इससे रिलेटेड है, और फिर नेक्स्ट आप जानते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, विनय मोहन कवात्रा, नहीं हम भूत नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू हो गया है, तो इसलिए हमने कैमरा ऑफ कर दिया है ताकि आप लोगों को डर ना लगे, बाकी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। तो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विनय मोहन कवात्रा, ये बन चुके हैं, और ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, मतलब कि फॉरेन एम्बेसडर थे भारत की तरफ से नेपाल में, राइट गाइज, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, केरला ओलंपिक गेम शुरू हो चुका है, तो केरला ओलंपिक गेम कहाँ पे होगा। हाँ धारा कायम रहेगा बिल्कुल इसी तरह से। FCAT का पेड बैच जून में, नया बैच शुरू, अभी शुरू हो गया है नया बैच, ब्रह्मास्त्र नाम है उसका, नहीं पता आपको कि उसके बारे में, अभी आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी। FCAT का नया बैच शुरू हो चुका है जिसका नाम है फाउंडेशन, जो है वो तो चल ही रहा है, और उसके बाद एक ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो गया है, आई विल लेट यू नो दैट इन द कमेंट अभी क्लास के बाद, ठीक है। तो एक्सीलेंट गाइज, आप लोग का स्पीड में आंसर आ रहा है और जिससे एनर्जी और बढ़ जा रहा है लाइट नहीं होने के बाद भी, है ना। तो 10 डे केरला गेम ये होगा, 24 अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, 10 अलग अलग जगह में होगा, और ये होगा तिरुवनंतपुरम जो कि केरला का कैपिटल है। बचपन में इसका नाम स्पेलिंग याद करने में थोड़ा टेंशन होता था, पर अब याद हो गया है, ठीक है। तो
फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है ये कौन बन गए हैं, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ओके क्या फिल्टर लगाकर मतलब। तो ये देखिए नंद मूलचंदानी है, इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन, पहले ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर बन गए CIA के, यानी कि जैसे हमारा रॉ है पाकिस्तान का ISIS है, ISIS नहीं ISI है ना, तो इस तरह से इनका है CIA अमेरिका का। और टेक्नोलॉजी का यूज जो है, टेक्नोलॉजी के जो पर्सन है वो नंदन मूलचंदानी है, यानी कि इंडियन है, यानी ये प्रूव हो जाता है कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे इंडियंस है। ठीक है, अगला सवाल कि मैंडेट डॉक्यूमेंट नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क। ओके, तो मैंडेट डॉक्यूमेंट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च है, पुलकित, सूची, शमा, मनीष, सिद्धांत। ओके वेरी गुड गाइज, आप लोग सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो आंसर क्या है, नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क ये मैंडेट डॉक्यूमेंट ये धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है, तो देखिए सर्कुलम नाम सुनते ही आप समझ रहे हैं कि आपका जो पूरा करिकुलम होता है, सर्कुलम बोल लो, तो ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा ही होगा, ये धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिलोसफी, पाथवे, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजों को एड किया जाएगा। एक्सेलेंट। नेक्स्ट सवाल, ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन DSF has partnered with which athlete for Dream Jab program? Okay, तो ये क्या है, कौन सा एथलीट है यहाँ पे, देखिए 6-time वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी मेरी कॉम ने ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है, ये इनकी फेस रहेंगी, फिलंथ्रोपिक आर्म है ये, बेसिकली जो लोग जो बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनको ड्रीम जैब प्रोवाइड करने का ये प्लान है। ओके, जैब को हम जॉब को जैब नहीं कह रहे, इसका प्रोग्राम का नाम है जैब। ठीक है, क्लियर है, तो स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड है। उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता है, क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ के लिए। आयुषी रजत नहीं, पीवी सिंधु नहीं है, मेरी कॉम है, दीकू, महेश, देवेंद्र, यशवंत, राहुल, लक्ष्मी, शुभम, उपासना। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है गाइस, वेरी गुड। और थोड़ा और आप लोग एनर्जी बढ़ा सकते हैं सेशन में, थोड़ा सा और इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जल्दी से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो ये है 1 मई 2022 उज्ज्वला दिवस मनाया जाता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इसको सेलिब्रेट किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली 2016 में लॉन्च हुआ था, बलिया डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश का है, बलिया से आप याद रखेंगे कि उसी के बगल में बिहार है, बिहार में क्या है, आरा है। और जब आपको 1857 में पूछा जाएगा कि कौन 1857 में बिहार को लीड कर रहे थे तो उनका नाम क्या है, कुंवर सिंह है ना, तो कुंवर सिंह यहाँ पे इनको लीड कर रहे थे और इनके भाई भी थे जिनका नाम है अजीत सिंह। तो ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे, राइट, क्लियर। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी रैपिड फायर में रिविजन करेंगे, नो एक्सप्लेनेशन, सो गाइस गेट रेडी। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, 1st, 2nd, 3rd, या 4th of May को, तो ये मनाया जाता है आपका 1st of May एवरी ईयर, इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर डे जब आप उसको। लाफ्टर डे कब मनाया गया है इस बार, तो आप जानते हैं कि मे के 1st Sunday को मनाया जा रहा है। क्या हो गया ऑल द इंजीनियर्स, आपका आंसर नहीं आ रहा है, हाँ विश्वजीत बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट सवाल जो है ये है आपका 1st Sunday of May जो कि इस बार 1st May को ही था, ये है आपका लाफ्टर डे। लाफ ज्यादा हंसने से आपका एनर्जी बढ़ जाता है, जब कोई काम करना ही है तो रोके करने से अच्छा है कि हंस के करना। फिर नेक्स्ट है टूना डे, क्या आपको याद है कि ये जो मछली है टूना मछली, इसके लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये दिवस है आपका 2nd of May। हर साल 2nd of May को यूनाइटेड नेशन कहता है कि मछली खाओ, ऐसा ये बोल नहीं रहा है, मतलब बस बता रहा है कि ओमेगा 3 विटामिन B12 और प्रोटीन जो है ये सारी मछली में है। ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, अमिताभ कांत CEO है और वाइस चेयरमैन जो है इनका नाम है सुमन बेड़ी। तो सुमन बेड़ी जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बन गए हैं, ये राजीव कुमार को सक्सीड करेंगे, इसके पहले राजीव कुमार।
उसके पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे, बहुत दिन तक आप लोगों को वही याद थे। ओके, फिर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली जो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस है, ये सेमीकंडक्टर का बात हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सिलिकॉन सिटी, जो कि कैलिफोर्निया में है लेकिन सैन फ्रांसिस्को, राइट। लेकिन इंडिया में कहाँ पे? बेंगलुरु में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा, राइट गाइज, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे जल्दी से कि एमएसएमई कह रहा है कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देगा, ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमई। तो ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव ओपन फॉर ऑल? हाँ ठीक है, ओके। तो ये ओपन फॉर ऑल, ये देखिए यहाँ पे बिजली भी आ चुकी है। तो गाइज इसी तरह से आप लोग मेंटेन करके रखें आंसर्स को। और हाँ ओके, तो अब आप लोग को हम प्रकट हो जाएंगे। यस, तो ये कौन सा बैंक है? ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक। फिर आप बताएंगे कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो आपको पता ही है कि मनोज पांडे जी बन गए हैं। गाइज थोड़ा सा आंसर और स्पीड में बताएंगे आप लोग। और ये बन गए हैं बी एस राजू। और बी एस राजू के बारे में आपको पता है, देखिए जनरली जब बहुत ऊंचे पोस्ट पे जाते हैं तो ये देखा गया है कि एनडीए से ही सारे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए में 4 साल पहले ही कमीशन हो जाते हैं। इवन ग्रेजुएशन भी आपको आर्मी ही करवाती है जेएनयू से। तो ये एनडीए से कमीशन हुए थे और इन्होंने काफी काम किया है। और कोलकाता में ये थे कमीशन रेजिमेंट, आई थिंक जाट रेजिमेंट था शायद, हाँ तो जाट रेजिमेंट ही था एक्चुअली, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो ये बीजापुर से थे और अब ये बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सोचिए जब कोई बच्चा जब एनडीए में कमीशन होता है तो क्या वो सोचेगा कि हम जाके कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे? अब जैसे कि मनोज पांडे जी जो है वो खुद एक इंजीनियर है ना। तो आप देखिए एमडी और सीईओ ऑफ शिवालिक बैंक, ये कल भी हम लोगों ने बात की थी, तो अंशुल स्वामी जी जो है ये शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये क्या बन गए हैं? एमडी और सीईओ बन गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास रखा है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा है 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल का। अच्छा बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, 8 को है ना, 8 को संडे को आपका 67 बीपीएससी है। तो यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन से एक बिहार से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो लोग बिहार का एग्जाम दे रहे हैं वो प्लीज बताइएगा कि सीता जी की 215 मीटर लंबी स्टैचू बन रही है, भगवान सीता वाली सीता, ठीक है। तो ये आप बताएं कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बन रही है, क्या आप बता सकते हैं? जो लोग बिहार का एग्जाम दे रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी फाउंडेशन स्टोन 7 कैंसर हॉस्पिटल का, ये तो असम में है ही। तो डिब्रूगढ़, कोकराझार, बेड़ापेटा, दरंग, तेजपुर, लखीमपुर और जोरहाट में आपका कैंसर हॉस्पिटल है, जीन बैंक, यानी कि सारे फसलों को यहाँ पे कंजर्व करके रखा जाएगा ताकि अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो। बायोडायवर्सिटी का मतलब दोनों होता है, फ्लोरा भी होता है और फौना भी होता है, ठीक है। तो रजत जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और रजत कह रहे हैं सीतामढ़ी, और अमन जो है वो तुक्का लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भागलपुर। तो क्योंकि सीता जी है तो आंसर सीतामढ़ी ही है। बहुत सही आपका आंसर आया है। एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे कि पटना का सबसे ज्यादा आपका पर कैपिटा इनकम है, ये बात हम समझिए, सेकेंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किस डिस्ट्रिक्ट का है ये बताएंगे, और लोएस्ट यानी कि लीस्ट पर कैपिटा इनकम किस डिस्ट्रिक्ट का है ये भी बिहार वाले स्टूडेंट सारे बताएंगे। वेरी गुड गाइज। तो जीन बैंक आप जानते हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि ये महाराष्ट्र में होगा। अगला सवाल है प्रेस फ्रीडम डे, देखिए फिर से पूछा जा रहा है तो जल्दी से आंसर बताएंगे। प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? तो ये आपका 3rd of May को होता है। अगला सवाल आप ये बताएंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन डे कब रखा गया है? ओके, बेगूसराय बता रहे हैं, ओके वेरी गुड वेरी गुड। और बेगूसराय के बाद मुंगेर है, ठीक है। तो लीस्ट पर कैपिटा इनकम यानी कि सबसे गरीब जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जितना उसका कमाई है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हर मुंडी पे सबसे कम पैसा रहेगा, ये बिहार में कहाँ पे है ये भी आप बता दें जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो कह रहे हैं कि मैम ये एग्जाम है, ऑप्शन मिलेगा तो क्लिक कर देंगे। अच्छा वेरी गुड, श्योर है, याद रखना इसको, श्योर, ठीक है। और कौन सा ऐसा जगह है जहां पे एक और टाइगर रिजर्व खोला जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद, ये भी बता दें आप लोग कमेंट सेक्शन में। 1st May इसका आंसर है, महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट डे है 1960 का।
क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, फैजल अली कमेटी रखा गया था यहाँ पे, याद रखेगा, फैजल अली कमेटी जिसने अप्रूव किया कि हाँ ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो सकता है, लेकिन सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं करना चाहिए। तो मराठी स्पीकिंग लोगों को मिला उनका महाराष्ट्र, और गुजराती स्पीकिंग लोगों को मिला गुजरात। ओके नेक्स्ट, फिर आप ये भी एक सवाल और हम पूछेंगे, ओवरऑल बिहार हाँ क्या मूड है, ठीक है, बिहार पुअर स्टेट है इंडिया का, हाँ जी बिल्कुल, ओवरऑल तो बिहार पुअर स्टेट है ही। एक सवाल हम और पूछेंगे कि जैसे आप लोग सुनते हैं कि बहुत सारा स्टेट बन रहा है, तो झारखंड में भी ये बात चल रहा है कि झारखंड के लोग चाहते हैं कि उनके झारखंड में एक अलग से परगना बन जाए, क्या आप नाम बता सकते हैं उस परगना का? हम ये बता रहे हैं कि बहुत सारा ट्राइबल रिवोल्ट भी हुआ है उसी नाम पे, अब आप बताइए, ठीक है, हाँ बिहार पुअर स्टेट है ये तो सबको पता ही। तो झारखंड में ये जो बन रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है संथाल परगना, है ना। तो संथाल रिवोल्ट भी हुआ है जिसमें आप सिद्धू कानू चांद और भैरव, देखिए सिद्धू कानू तो आप सुने ये सबके लिए है, सारे जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन सबके लिए है। सिद्धू कानू चांद और भैरव ये चार भाई थे, सिद्धू कानू तो आप सुने होंगे, चांद और भैरव ये चार भाई थे जिन्होंने क्या किया, संथाल रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और बिरसा मुंडा ने क्या किया, बिरसा मुंडा ने मुंडा रिवोल्ट किया है, और बिरसा मुंडा को सिंगबोंगा का अवतार मानते थे, नहीं नॉर्थ 24 परगना नहीं संथाल परगना, नॉर्थ 24 परगना तो बंगाल में है, क्या कर लो तुम। तो ये देखिए इथनॉल पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ये बिहार में है, नीतीश कुमार जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। इथनॉल का फॉर्मूला हम कल बता चुके हैं, C2H5OH होता है इथनॉल का फॉर्मूला। एक्सेलेंट गाइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है, और कुछ लोग स्पीड में दे रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, क्लास रुक रुक रही है। अच्छा ओके कोई बात नहीं, आप यहाँ स्क्रीन पे बेसिकली, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हांगकांग में हुआ है, मतलब ये टीम हांगकांग को हराकर बैंकॉक में ये हुआ है, और ये थाईलैंड में हुआ है। ओके ओके देयर इज सम बफरिंग, आई एम जस्ट चेकिंग, हाँ जी मुझे लग रहा है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा है यहाँ नेटवर्क, आई एम जस्ट चेकिंग गाइस, ठीक है, नहीं अभी तो ठीक चल रहा है। ओके चले, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किताब जो किसने लिखा है, तो ये किताब, हाँ बोलिए, पावर कट के कारण हो रहा है ये सब, आपको पता ही है कि कोल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और लोड शेडिंग चल रहा है, तो ये सब देखिए समस्या आ रहा है। आप लोग जिस रजत के फादर जो है कोल इंडिया में काम करते हैं, रजत कह रहे हैं कि पिताजी को कहना पड़ेगा कि कोल का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, है ना, सही बात है, ठीक है। तो लीडर पॉलिटिशियन और सिटीजन, ये किताब लिखा गया है किसके द्वारा, ये राशिद किदवई द्वारा ये किताब लिखा गया है, 50 पर्सनालिटी पे, तो ये राशिद किदवई द्वारा, ये तो आपको पता ही है। अमित शाह जी पर एक बुक रिलीज हुआ है, अमित शाह जी पर जो बुक रिलीज हुआ है ये मराठी लैंग्वेज पे है, आप बताइए। तो ये है द मार्च एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, ये देवेंद्र फडणवीस ने इस बुक को रिलीज किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा के होम टाउन पे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेडियम बना रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेडियम बना रहा है, ठीक है। अब कुछ पुराने करंट अफेयर्स हैं जिसको हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे इसके पहले कि पावर कट हो जाए कोल के चक्कर में, है ना। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे, हमको मेमोराइज नहीं हो पा रहा है, क्या करें, बार बार सेशन को देखें, फिर आंख बंद करके खुद ही आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए ये हम पढ़ाए थे कि कौन सा ऐसा स्टेट है फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। तो रिवर में जो लोग रात में जाते हैं, मछुआरे जानते हैं आप जानते हैं, तो उनके लिए नेविगेशन होना चाहिए, नाइट नेविगेशन, कोई वहां पे भुतला ना जाए। तो ये कौन से है, ये है आपका असम, चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमंता विश्वास शर्मा है, और ये इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ब्रह्मपुत्रा नदी गुवाहाटी असम में इसको किया गया है, पार्टनरशिप किया गया है इसको, IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप करने में हेल्प किया है, राइट, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, CEO ऑफ होंडा कार्स, देखिए इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि होंडा गाड़ी के CEO कौन है,
नाम 10 बार ले लो याद हो जाएगा, ऐसा चैतन्य कह रहे। नहीं चैतन्य पढ़ लो 10 बार, इससे अच्छा याद हो जाएगा। अब जैसे देखिए सीईओ है, होंडा है, जापानी नाम होना चाहिए राइट। तो योगेश नहीं हो सकता, राकेश नहीं हो सकता, अमित नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ताकवा सुमुड़ा है ना, ताकवा सुमुड़ा, टी हम साइलेंट करके बोल रहे हैं। तो ताकवा सुमुड़ा जो है ये जापानीज है और ये होंडा के बेसिकली बन गए हैं सीईओ ऑफ होंडा कार्स इंडिया। क्लियर है, अंडरस्टूड, वेरी गुड। यहाँ पे मौसम अच्छा चल रहा है, हवा चल रही है, घटा चल रही है, हंसी ये नजारा है, और हम पढ़ा रहे हैं इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए ठीक है। दिपुला, दिपुला गुना तिलका, अब ये नाम है, विपुला गुना तिलका नाम है। सीएफओ बन गए हैं यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर बन गए हैं। इनका अकाउंट्स बहुत अच्छा होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे शायद, ऐसा हमको लग रहा है। तो ये किस किस इंडियन एयरलाइन कंपनी के बन गए हैं सीएफओ? तो ये बन गए हैं बेसिकली कहाँ के, जेट एयरवेज के सीएफओ बन गए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनका नाम है विपुला गुना तिलका राइट। अंडरस्टूड, और ये इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बन बोल रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक चीज है जिसको बहुत देखने पे आपको सुकून मिलता है, पर्पल कलर का है, फूल भी कहते हैं इसको। अब आप बताएंगे, बहुत ज्यादा हिंट हम दे चुके हैं, तो लैवेंडर है ना, लैवेंडर एक ऐसा फूल है जिसमें जम्मू कश्मीर का डोडा डिस्ट्रिक्ट ये कह रहा है कि इसको ब्रांड प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जो लोग बिहार का एग्जाम दे रहे हैं उनको सिलाऊ खाजा के बारे में पता ही होगा, लीची के बारे में पता होगा, मगही पान के बारे में पता होगा और मखाना के बारे में भी पता होगा। ये सारी चीजें होपफुली आपको जानकारी है। और लेवेंडर जो है यहाँ पे डोडा, लेवेंडर क्या होता है, फूल होता है इस तरह से ठीक है, पर्पल कलर का बहुत सुंदर सा ये फूल होता है, और जैसे कि ऑर्किड होता है उसी टाइप का होता है ठीक है। तो इसको यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट सवाल आप बताएंगे कि इंडिया हैज इंड रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी, तो हम लोग ब्लू इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, ओशन गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं किस कंट्री के साथ, ये हम देखते हैं। कौन बताएगा? मनीष। आगरा में भी मौसम अच्छा है ऐसा मनीष कह रहे हैं, वेरी गुड मनीष। तो सूची कह रही है कि अगर आपके यहाँ मौसम अच्छा है तो प्लीज इसको रांची भेज दीजिए। ओके, इस बार लीची पता एनएच गांव में हुआ है क्या? नहीं, लीची पता नहीं गांव में हुआ है कि नहीं, अच्छा ऐसा बता रहे हैं ठीक है, बहुत सही आंसर। इतने दिन बाद भी क्वेश्चन पूछने के बाद क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एवरीवन। तो आप लोग मेरा नाक बिल्कुल नहीं कटवाए हैं, हम लोगों ने ब्लू इकोनॉमी यानी कि ब्लू इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं और इसको ओशन गवर्नेंस पे की हम लोग ज्यादा समुद्र में गंदगी ना फैलाए, और इस पे बात हो रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं एस जयशंकर जो है वो फ्रांस गए हैं, जैसा देश वैसा भेस, ऐसे भी ये हमेशा सूट दिखते हैं ठीक है। तो विज्ञान सर्वत्र पूजितीय, तो ऑब्वियस बात है कि विज्ञान सर्वत्र पूजिए, ये बेसिकली बोला जा रहा है कि ये एक साइंस इवेंट किया जा रहा है। तो ये किस सिटी में साइंस इवेंट है? रात में उठ के जाना पड़ता है कपड़ा उठाने अगर बारिश हो जाता है तो, सही बात है। अच्छा बोले बिहार वाले को प्रायोरिटी क्यों दे रही है मैम, दिल टूट रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी इसके बाद आपका यूपी पीसीएस वाला भी एग्जाम है तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे। लखनऊ में भी कल बारिश हुई थी ऐसा बता रहे हैं चैतन्य ने। ओके, तो बहुत बढ़िया, पूरे इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं है ना, और पूरे इंडिया वाले लोग जो हैं अपना मौसम विज्ञान बता रहे हैं। यहाँ पे आप दूसरा बात बताइए मैम, थोड़ा स्लो बताइए, अच्छा फास्ट स्पीड में थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए जो हम लोग का नया करंट अफेयर्स होता है ना हरिओम, तो वो हम लोग बहुत आराम से पढ़ते हैं न्यू करंट अफेयर्स, लेकिन ये करंट अफेयर्स क्या है ये हम लोग बस रिविजन कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है, तो आप लोग भी बस एक काम कीजिए, जिनको भी फास्ट लगता है या नहीं समझ में आया, बस 3 दिन जैसे दवाई खाया जाता है सर्दी का, तो ऐसे 3 दिन लगातार आप यहाँ पे कनेक्टेड रहिए, चौथे दिन से आपको लगेगा कि मैम थोड़ा स्पीड में बताइए। हाँ ऑफिसर बनेंगे तो मैम सबसे पहले आपके आपका प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे जहां जहां कट रहा है, सही बात है ठीक है। तो ये देखिए ये हमको लगा क्या बोल रहे हैं, तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, हैदराबाद जो है बहुत गलत बता रहे हैं। तुम लोग क्या बोल रहे हो, बोल रहे हैं कि तुम लोग ना कटवा रहे हो तो प्लास्टर सर्जरी का बात हो रहा है ठीक है, सही बात है रजत, लेकर चलेंगे है ना, सही बात।
न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में ये हो रहा है, विज्ञान सर्वत्र पूज्य। अब देखिए सी डोम के बारे में काफी बार बात हुई है, तो डिफेंस सिस्टम किस कंट्री का है सी डोम? झारखंड दुमका डिस्ट्रिक्ट में भी 3 दिन से कंटिन्यू बारिश है। विपिन भी बता रहे हैं हमारे संवाददाता जो कि झारखंड से मौसम का हाल बता रहे हैं। ठीक है पंकज कुमार, ओके मैं समझ गई आपका बात। थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, सही क्वेश्चन का आंसर बताइए, बिल्कुल आप भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे सी डोम डिफेंस सिस्टम ये इसराइल का है। इसराइल क्या कह रहा है, देखो ये बहुत अलग वेरियंट है, यानी कि नेवल भी है और एयर भी है, नेवल और एयर डिफेंस है। तो ये पानी में जाकर यहाँ पे ऐसे सी डोम इसने ऐसे छोड़ दिया है, इसको ध्यान रखिएगा और पढ़ लीजिए आप लोग, इसराइल तो पढ़ ही लिए। अब देखिए मैग्नस कार्लसन ये वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है, लेकिन इंडिया का एक छोटा सा बच्चा इनको हरा चुका है चेस में। अब आप उस छोटे से बच्चे का नाम जल्दी से बता दें कमेंट सेक्शन में गाइस। हरिया, ओके वेरी गुड। जम्मू में भी बारिश हो रहा है, हिल राइडर, ओके हाय मैम माय फर्स्ट क्लास, आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ऐसा बाबा कह रहे हैं। तो गाइज रेगुलर प्लीज बाबा, आप रेगुलर रहे। आज जैसे देख सकते हैं आप 5th है, 6-7 तक आप रहे रेगुलर, 9th को मंडे आपको सब चीजें खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है, रमेश बाबू प्रगणानंद है का नाम, और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को वर्ल्ड चेस नंबर 1 में हरा दिया था। ठीक है, खजुराहो का डांस फेस्टिवल, तो देखिए खजुराहो में जितनी भी मूर्ति है ये पूछा जाता है कि किस डायनेस्टी ने बनाई है, तो वो चंडेला डायनेस्टी, चंडेला डायनेस्टी में खजुराहो की मूर्ति बनी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। और कलिंग युद्ध के बारे में मौर्य के किस रॉक एडिक्ट में मेंशन है, तो रॉक एडिक्ट 13 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑब्वियस सा बात है ये मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट सवाल जो है ये पूछा जा रहा है, तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ठीक है, अब आप बताएं कि किस स्टेट की, मतलब किस सिटी की, लखनऊ, गुरुग्राम, जयपुर या भोपाल, कहाँ पे ये दोनों है? तो कोटिया सिस्टर्स आर इन ऑफ कहाँ पे, ये गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करती है, ये लोग भी बहुत अच्छा चेस खेलती है ना, तो यहाँ पे FIDE यानी कि चेस फेडरेशन, ये चेस प्लेयर विमेन है तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया, और ये बन गई है बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ फिर पढ़ाओ, है ना, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ओके, अब देखिए हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा है कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की चेयरमैन संगीता जी बन गई है ना, संगीता सिन्हा। तो अब आप बताएंगे कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, तो यहाँ पे कौन मेंबर बन गए हैं नए? देखिए बार बार आप लोग इस तरह से रेगुलर करंट अफेयर्स करेंगे ना, तो आपको ऑप्शन देखिए खुद समझ में आ जाएगा कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो जैसे कि एस सोमनाथ आप बताएं क्यों न्यूज में रहते हैं, के सिवन जी का जगह लिए हैं, इंदु मल्होत्रा क्यों न्यूज में रहती है, आर्बिट्रेटर है यानी कि लॉ से संबंधित है, तो आंसर क्या हो सकता है, सुधा रघुनाथ ये कल्चर में सेंट्रल बोर्ड एडवाइजरी की मेंबर बन गई है। ओके नेक्स्ट, क्या बोल रहा है सोमनाथ कहाँ पे बढ़े थे, के सिवन जी का जगह लिया है ना सोमनाथ गाइस। ठीक है हाँ ओके, बेटी ना पढ़ रही है ना बच रही है, ब्रांड एम्बेसडर बस बन रही नहीं है, सब बिल्कुल भी पेसिमिस्टिक थॉट नहीं रखना है, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक बनना है। देखिए साथ साथ इंग्लिश भी बता रहे हैं, यानी कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं आगे का फ्यूचर का उनको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं थॉट, और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनको पेसिमिस्टिक कहते हैं। NBCC का फॉर्म गलत हो गया है, फिर से भर दो, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ आएगा पोर्टल में उसको ठीक करने के लिए। तो अब आप बता सकते हैं जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, तो सीनियर IPS ऑफिसर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस के ये चेयरमैन बन गए हैं। जो भी आपका PCS का एग्जाम लेता है उसी तरह यह पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वहां पे ये IPS ऑफिसर है जिनका नाम है गौतम स्वांग। ठीक है, स्वांग वैसे एक डांस भी है, ये हरियाणा में होता है। नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि किसान ड्रोन, कौन से ऐसे मंत्री हैं, है ना, आप समझ ही गए होंगे हम किनका बात कर रहे हैं, जब भी हम जोश में किसी का बात करते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं कि हम किनका बात कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने 100 किसान ड्रोन को अभी अभी फ्लैग ऑफ किया है, तो ऑब्वियस बात है ये मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, है ना। तो इन्होंने बेसिकली गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का इनिशिएटिव है
और यहाँ पे 100 किसान ड्रोन को इन्होंने फ्लैग ऑफ कर दिया है ताकि किसान जो है वो ड्रोन के उपयोग से अपने खेत को आराम से देख सके। ड्रोन सिर्फ शादी में फूल जब बरसता है तो उसका फोटो लेने के लिए नहीं होता है, किसान भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सी देखिए CSEAME, ठीक है, उसके बाद WE, ये क्या है? तो बेसिकली ये क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है और वेस्ट ईस्ट है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सब जगह अंडर सी केबल कंसोर्टियम लगा रहा है कौन सा कंपनी। ऐसे तो मेरे पास भी इसी का वाईफाई है लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो ये है भारतीय एयरटेल जो कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और वेस्ट यूरोप। ठीक है, तो ये एशिया नहीं था, वेस्ट यूरोप था। यहाँ पे 6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम लगा रहा है, ये कौन सा है, भारतीय एयरटेल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट 100 हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। अब आप बताएंगे कि हर घर जल पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है और चंबा जो है ऐसा होने वाला 100वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो ये कहाँ पे है? चंबा है आपका हिमाचल प्रदेश में और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 100th डिस्ट्रिक्ट बन गया है। जो लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो बताइए कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें बिहार का सबसे अच्छा परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताएंगे। ओके, नेक्स्ट आप कुछ न्यूज सुन लीजिए जो कि आज आपको आज और कल नेशनल न्यूज सुनने को मिलेगा। ओके, हाँ, तो नेशनल न्यूज ये है कि मोदी जी बायलिटरल मीटिंग कर रहे हैं विद प्रधानमंत्री ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड और डेनमार्क के साथ, मतलब ये इन डेनमार्क में स्वीडन, आइसलैंड और नॉर्वे और फिनलैंड, ये 4 मीटिंग होगी, यानी कि 1-on-1 बायलेटरल का मतलब कि मोदी जी पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मिलेंगे डेनमार्क में, फिर डेनमार्क में स्वीडन के प्रधानमंत्री से, फिर वहीं पे आइसलैंड और फिर फिनलैंड के प्रधानमंत्री से ये मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। मोदी जी अटेंड करने वाले हैं 2nd इंडिया नॉर्डिक समिट इन डेनमार्क, तो भारत और नॉर्डिक यानी कि नॉर्डिक कंट्रीज आपको पता ही है, तो उस पे एक समिट होने वाली है डेनमार्क में जो कि मोदी जी अटेंड करने वाले हैं और हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी मीटिंग करने वाले हैं, बेसिकली होल्ड मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो है और जी किशन रेड्डी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ, किस चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करेंगे असम में, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हैं कि मोदी जी जो है वो क्वीन ऑफ डेनमार्क मार्गरेट 2 से भी मिलेंगे उनके पैलेस में। ठीक है, बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और मुजफ्फरपुर बेस्ट परफॉर्मिंग है। गुड, बहुत देर बाद बताए हो, ऐसा लग रहा है कि कहीं से देख दाख के बताए हो, है ना। ठीक है, तो सेंटर रिलीज इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। तो भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू हो गया है, 2020 का रिपोर्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सेंटर को कि वो डिसाइड कर ले प्लीज सीकिंग री वैक्सीनेशन फॉर पीपल हु रिसीव Sputnik 5। तो जो लोगों ने Sputnik 5 लगाया है उनसे वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग फिर से री वैक्सीनेट हो जाएं। ओके, स्पोर्ट्स न्यूज क्या है, निकोलस फुडोन जो कि टू कैप्टन वेस्ट इंडीज, तो ये बेसिकली वेस्ट इंडीज के कैप्टन बनेंगे मेन ODI और T20 मैचेस के और ये टीम फॉलोइंग द इंटरनेशनल रिटायरमेंट ऑफ केरन पोलार्ड। तो केरन पोलार्ड जो है वो रिटायर हो गए हैं, की जगह निकोलस फुडोन जो है फुडान जो भी नाम है इनका पुडान है ना, तो ये बन जाएंगे। BCCI ने अनाउंस किया है IPL प्ले ऑफ वेन्यू, तो वुमेन T20 चैलेंज शेड्यूल हो चुका है, IPL फाइनल जो है वो खेला जाएगा, IPL फाइनल जो है वो अहमदाबाद में होगा May 29 में और वुमेन्स T20 जो है ये आपका होने वाला है कहाँ पे, पुणे में होगा। पंजाब किंग्स 11 ने गुजरात टाइटन्स को 8 विकेट से हरा दिया है, ये आपका कल नहीं परसों का बात। ठीक है, तो बेसिकली वो आप IPL वाला उसको आप अपडेट रहिए, वो यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, जो आपका फाइनल है उससे होगा। ठीक है, रजत कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछे बता देंगे, नहीं बताइए आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूज, यूक्रेन सीक्स फुल रिस्टोरेशन ऑफ टेरिटरी जैसे कि क्रीमिया इंक्लूडिंग क्रीमिया जिसको एनेक्स कर लिया था रशिया ने थ्रू डिप्लोमेसी, सेड यूक्रेन प्रेसिडेंट वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की।
तो इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने क्रीमिया जिसको रशिया द्वारा एनेक्स किया गया था उसको फुल कंट्रोल फुल रिस्टोरेशन हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा रिपब्लिकन गवर्नर, ठीक है, ने साइन किया वन ऑफ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एबॉर्शन लॉ इन यूनाइटेड स्टेट। तो एबॉर्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इस पर बहुत ज्यादा रूल्स बन गए हैं, ऐसा ओक्लाहोमा मतलब ओक्लाहोमा एक जगह है वहां के रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने कहा है। ओके, पूछ रहा है बिहार का सीएम, वो तो पता ही नहीं था, बोल रहा है लालू यादव का बेटा, मतलब आंसर भी तुम लोग गलत बता रहे हो। एक्सलेंट, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंटली पूछ रहा है कि बिहार का सीएम कौन है, और दूसरा स्टूडेंट हमारे बहुत प्यारे कह रहे हैं कि 60 ये जो है लालू यादव है। 64th नेशनल शूटिंग चैंपियन में बिहार की एक महिला लिखना चाह रहे हैं, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, क्या पता इनका नाम शायद एस से है ना, कुछ ऐसा है क्या नाम? ऑप्शन दीजिए तब हम बताएंगे, आप लोग ये बताते ना, ऑप्शन दीजिए हम फिर बताएंगे। अब आप बताएंगे कि रशिया आर्मी अटैकिंग एजोस्टल प्लांट यूक्रेन मैरियोपल, ठीक है, ये क्या है? तो बेसिकली ये सारा जो है वो वेपन है, तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है आर्टिलरी और प्लेन्स के मतलब उपयोग से रशिया और यूक्रेन में, ये आपको पता ही है। और यूके के प्रधानमंत्री यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जो है वो जॉनसन अनवील कर रहे हैं यूरो 300 मिलियन ये न्यू मिलिट्री एड इन रिमोट स्पीच और टू यूक्रेन पार्लियामेंट। तो बेसिकली यहाँ पे रिमोट स्पीच हो रहा है यूक्रेन के पार्लियामेंट में। ओके, हाँ, यूक्रेन में कितने कंट्री बनते हैं एंड नाम बताओ। यूक्रेन मैम, रशिया ने यूक्रेन में कितने कंट्री बनते हैं नाम बताइए। हाँ, ऑप्शन भी दीजिए रजत जी, बात सही है। तो अब इंटरनेशनल न्यूज है कि WHO कह रहा है कि थर्ड ऑफ मे को एपिडेमिक ओवरवेट और ओबेसिटी रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर WHO कह रहे हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए। फाइजर Q1 रेवेन्यू इसका जंप हो चुका है, ऑब्वियसली सारे लोग इतना ज्यादा वैक्सीन लगा रहे हैं तो होगा ये जंप। और साउथ कोरिया स्टेज नॉर्थ कोरिया हैज फायर्ड अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है इस तरह का जो मोशन होता है। ठीक है, सीमा श्रेयसी सिंह, अच्छा शायद बी ही होगा आंसर, है ना। श्रवना पसंद, हम बोले एस से है तो रजत ने मुझे सारे ऑप्शन एस से दिए। अच्छा, संजना कह रहे हैं ये लोग, वेरी गुड, अच्छा है, टीचर बनने का सारा स्किल आ रहा है आप में। तो गाइस, अब हम लोग एक और सेट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर का, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। और एक चीज और है इसको करने के पहले, आई विल जस्ट से दिस कि हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं उनको ये नहीं पता है कि बहुत सारे बैचेस का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो गया है, खास करके CISF का, तो उसको एक बार हम यहाँ पे मैंशन कर देते हैं, है ना। तो एक सेकेंड, वन सेकेंड गाइज, जितने भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आई एम जस्ट ट्राइंग, यू नो आई एम अ नोविस इन दिस, तो इसको बस सर्च किया जा रहा है हमारे द्वारा। देखिए, तो आपको क्या करना है पहले, एक सेकेंड, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको जाना है Adda247 के ऐप में, जैसे कि अभी हम पहले आपको वेबसाइट में जाके दिखाए,